मैम अ मेमोरी ब्लॉक हुज डाटा कैन बी चेंज्ड। Whose data can be changed? Very good, well done. Variable का नाम ही बता रहा है कि ये vary कर जाएगा. अच्छा जी, तो जब आपने variables पढ़े थे तब आपने यही कहा था कि ये एक memory block है जिसकी हम data type specify किया करेंगे और उसका नाम specify कर दिया करेंगे. उसकी data type से पता चलेगा कि इसकी कितनी capacity है, integer की कितनी capacity होती है. 4 byte. 4 bytes, मतलब उसके पास इतनी स्पेस हुआ करेगी. ओके okay. और इंटीजर की वैसे क्या उसकी जो है वो इंटीजर किसको कहते हैं? पॉइंट के गैर वाले नंबर्स जो उनसे होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज जो विदाउट डेसिमल आते हैं. तो इंटीजर टाइप का जब आप वेरिएबल बनाते थे तो उसके अगेंस्ट क्या होता था, आपको एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक असाइन कर दिया जाता था कि जिसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते थे और वो विदाउट डेसिमल होनी चाहिए. और उसके लिए आपको मेमोरी कितनी मिलती थी? 4 bytes की. आपको रेंज याद है कि इसकी रेंज कितनी थी? ऐसी वाली कोई चीज देखी है? Yes, ma'am. 32,000 से लेकर कुछ इस तरह का फिगर है, शायद ये गलत भी हो सकता है. लाइक मिनिमम नंबर आप ये डाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर आप ये डाल सकते हो. इसके अलावा कोई नंबर इसके अंदर इस वाले ब्लॉक में डालने की कोशिश करते हो तो वो कहते हैं अगर ज्यादा छोटा डालोगे तो कहेगा स्टैक अंडरफ्लो, वैल्यू बहुत ही छोटी है. अगर बड़ा नंबर डालने की कोशिश करोगे तो वो कहेगा वैल्यू बहुत ही बड़ी है. ये वाली बातें याद है? तो हर वेरिएबल के लिए कोई डेटा टाइप हुआ करती थी, उसकी कोई स्पेसिफिक रेंज हुआ करती थी, उसकी कोई मेमोरी हुआ करती थी और उसका नाम हुआ करता था. ये वाली सारी बातें याद है ना? ओके, तो एक वेरिएबल के अगेंस्ट हमारे पास एक ही रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है. जैसे अगर ये मैं वेरिएबल का नाम रोल नंबर रखती तो इसमें किसी एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर हम स्टोर कर सकते थे. ऐसा है आप लोग के जो रोल नंबर्स हैं वो इंटीजर टाइप के ही है ना? यस मैम. लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर मैंने अपनी सारी क्लास का डेटा स्टोर करना है, तो मैंने एक ही वेरिएबल बनाया हुआ फिलहाल रोल नंबर के नाम से. तो एक ब्लॉक में एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ सकती है ना? तो अगर मुझे 58 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कराना तो क्या मैं 58 रोल नंबर्स या 58 वेरिएबल्स बनाऊंगी? नहीं ना, बना सकते. नो मैम. हाँ, ये प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है, नॉन स्टैंडर्डाइज है. तो उससे बेहतर क्या है, हम इसी वेरिएबल को मेमोरी इसकी बढ़ा लेते हैं, इसकी रेंज बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारा डेटा सेट ज्यादा हो गया है. तो जब भी आपके पास डेटा सेट ज्यादा होगा तो आप अपने रेगुलर वाले वेरिएबल्स की बजाय एरे के साथ जाओगे. एरे की डेफिनेशन क्या थी? कलेक्शन ऑफ कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक्स. ठीक हो गया, शाबाश. कलेक्शन है कंटीजियस यानी कंटीन्यूअस कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स की. ये एक मेमोरी ब्लॉक है ना, अब आपके पास ज्यादा मेमोरी ब्लॉक्स आ रहे हैं. हैविंग डेटा टाइप कैसी होनी चाहिए इनकी? इन सब ब्लॉक्स की डेटा टाइप एक ही होगी, सेम ही होगी. ठीक है, तो आपके पास एरे की डेफिनेशन क्या कहती है? कलेक्शन ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स हैविंग सेम डेटा टाइप. ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि अब ना मैंने रोल नंबर्स तो स्टोर करवाने हैं लेकिन एक स्टूडेंट का नहीं, मोर देन वन, लेकिन काउंटेबल. ठीक है, ये याद रहे कि एरे की जो लेंथ है या जो इसके मेमोरी ब्लॉक्स हैं ये काउंटेबल होने चाहिए. ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि इंटीजर टाइप की एरे, तो ये वो सिंबल है जिससे पता चलता है कि रेगुलर वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है. तो इंटीजर टाइप की आपने एक एरे बनानी है, उसका नाम रोल नंबर्स ही रख लेते हैं. तो अभी हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, जस्ट डिक्लेरेशन की है, उसकी डेटा टाइप बताई है और उसका नाम बताया है, अभी उसको वैल्यू असाइन नहीं की. ओके, वैल्यू उसको कब मिलती है या इसको मेमोरी तब मिलती है जब हम इसको न्यू कीवर्ड के साथ बनाते हैं. न्यू कीवर्ड क्या करता है, एरे क्लास में जाके कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर के नाम से पता है कि वो कंस्ट्रक्ट कर देता है, फिर वो ये मेमोरी ब्लॉक्स बना देता है. क्या करेगा, रोल नंबर के अगेंस्ट कितने मेमोरी ब्लॉक्स, कितने वो हम यहाँ पर बताते हैं. इस जगह पर आप बताओगे उसकी लेंथ, लेट्स से आप लोग 50 हो तो मैं 50 लेंथ की एरे बना रही हूँ. ठीक है, तो नाम इस वेरिएबल का एक ही है, हाँ उसको डिफरेंट ब्लॉक्स डिफरेंट इंडेक्सेस मिल रहे हैं. जैसे आप लोग एक ही क्लास में बैठे हुए हो, अपने अपने डेस्क पर बैठे हुए हो, अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हो, तो आप सब स्टूडेंट की अपनी अपनी कुछ एड्रेसेस, सीट्स आपकी एड्रेसेस है ना,
तो आप लोगों के कुछ इंडेक्सेस हैं, कुछ एड्रेसेस हैं, तो ये एड्रेसेस जो एरे के हैं ये स्टार्ट होते हैं जीरो इंडेक्स से। तो जीरो इंडेक्स से कुछ और भी स्टार्ट होता है क्या? स्ट्रिंग भी स्टार्ट होती है। हाँ, स्ट्रिंग भी तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो आप लोग देखोगे एरे में और स्ट्रिंग में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, तो इसको रिलेट करके पढ़ना अच्छी समझ आएगी। ओके, तो हमारी एरे भी जो है वो जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, अगर मैंने 50 लेंथ की एरे बनाई है तो मेमोरी ब्लॉक्स स्टार्ट जो है वो जीरो से होंगे, 1 के इंक्रीमेंट के साथ करते करते अप टू 49th इंडेक्स। क्लियर है? तो इसके एड्रेसेस की भी स्टोरी समझ आ गई। आपने इसको बनाना कैसे है, इस वाले सिंबल से इंटीजर टाइप की एरे बना दो जिसका नाम ये होगा, न्यू कीवर्ड के बाद उसको मेमोरी असाइन होती है। इसको ऐसे समझो जैसे डिक्लेरेशन अलग है, डेफिनेशन अलग है। ओके, ये वैसे बहुत कम स्टूडेंट्स को इस चीज का आइडिया होता है। जब आप कंस्ट्रक्टर के जरिए डेटा बनाते हो ना, कंस्ट्रक्टर के जरिए या न्यू कीवर्ड के जरिए, तो उसके अंदर समवट वैल्यू दी चली जाती है। इंटीजर है ना, तो इंटीजर टाइप की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपका कंपाइलर इसके अंदर खुद सेट कर देता है। सभी ब्लॉक्स के अंदर इनिशियली जीरो रख देगा। ये वो बात है जो हम कहते होते थे कि गार्बेज से बचने के लिए कोई मिनिमम वैल्यू रखनी चाहिए, तो ये वाला स्टेप क्या करेगा, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू सेट कर देगा।